मिलेगा। अच्छा, जहां से आप सामान लाते हो, अभी रिएक्शन की बात छोड़ो, क्या आपको बिल मिलता है? बिल नहीं मिलता। रिएक्शन का बिल मिलता है? वहां डिस्काउंट मिलता है? यहाँ डिस्काउंट मिलता है? वहां चलो आप सुपर मार्केट में चले गए, है ना, सुपर मार्केट में चले गए, बिग बाजार या कौन सा वहां बिल मिलता है, आपका नाम होता है बिल के ऊपर? रिएक्शन के बिल के ऊपर आपका नाम होता है? ये पॉइंट प्रमोशन में आपके कमीशन में ऐड होता है, तो फर्क समझ में आया? तो मेरे ख्याल से अभी सीधा पैसे की बात करते हैं। अरे कोई टॉयलेट बेच के पैसा कमाता है, आपके घर में परचेसिंग पावर को ऐसे बर्बाद कर रहे, मेरी झांसी नहीं दूंगी। चलो तो आगे चलते, ओके। रियल कंज्यूमर, तो ग्राहक शक्ति को मैंने अभी आपको समझा दिया, आप कंज्यूमर है, अभी आपको क्या बनना है? रियल कंज्यूमर। तो पहले मेरी राशि नहीं दूंगी, और जहां से मेरे परिवार के सपने पूरे के पैसे आएंगे वही थोड़ा घर में इस्तेमाल करूंगी। मेरे नाम का बिल मिलता है कि नहीं? बिल मेरे नाम का मिलता है, पॉइंट्स मिलता है, प्रमोशन मिलता है, क्वालिटी मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। जिंदगी भर लाखों रुपया आपने डाला, जहां से एक ठेंगा भी नहीं मिला, है कि नहीं, है ना? तो यहां से सब कुछ मिलेगा। तो अभी पहले तो हमको बनना है रियल कंज्यूमर, मूर्ख नहीं बनना है, यही से करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रियल डिस्ट्रीब्यूटर। अभी बात आती है बिजनेस, बात आती है बिजनेस। मैंने क्या बोला, हर डॉक्टर पैसा नहीं कमाता, हर दुकान वाला पैसा नहीं कमाता, और हर रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा नहीं कमाता, तो कौन कमाएगा? पहली बात तो जो रियल कंज्यूमर बनेगा, घर में ईमानदारी से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा अपने घर में, और मेंबर से डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, मतलब 20 से अधिक ग्राहक हमको बनाने हैं। आपको अगर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी महीने का कमाना है, तो भी हमको 20 ग्राहक को प्रोडक्ट देना है। मैं एक टूथपेस्ट देने मेरी मेन्यू कार लेकर मैं 10-15 किलोमीटर में जाता हूँ एक टूथपेस्ट देने, क्यों मालूम है? उससे कितना मिलेगा मुझे? लेकिन ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मुझे एक रोल मॉडल बनना है, मुझे बोलते ना आदर्श क्रिएट करना है। तो आपको तो हमने बोला 20 कंज्यूमर, संजय सर आप कितना कंज्यूमर बनाने वाले, जरा जोर से बोलो, 200 कंज्यूमर बनाने वाले, ठीक है? मैंने माइंड सेट रखा है 108 कंज्यूमर मेरे पास रहेंगे, एट प्रेजेंट मेरे पास 63 कंज्यूमर्स। बड़ी बड़ी हाकना, बड़ी बड़ी बातें करना, हैंग डोंग टाई बजाना, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे पास है, पिछले महीने ऑफर था, मैंने 7050 पर्सनल पीवी किया, 7050 पर्सनल पीवी मैंने किया, और आज की डेट तक, कल की डेट तक 4200 मेरा पर्सनल पीवी है, जो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा वो, वो भी हम इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, मतलब आप समझ सकते हो कि इसको टिकट छापना, प्रमोट करना, ये करना, उसी में तो ज्यादा हम मिल नहीं पाए, नहीं तो ये 6-7 हजार पीवी तो अभी तक हो चुका होता। तो अब ये कैसे करते हैं? कुछ नहीं, अगर हम एक कदम चलते हैं ना, तो हमको 2 कदम चलने की जरूरत है। जो हम आज कर रहे हैं उसी काम को थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। मैं तो बोलूंगा इसमें माइंड सेट की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है इस बिजनेस में? नहीं मेरे से नहीं होगा, 1000 पीवी बस है, 3000 कौन करेगा, इतने ग्राहक कौन बनाएगा, ये माइंड सेट है। और अगर आपका माइंड सेट छोटा है, गरीब है, तो हम अमीर नहीं बन सकते। एक सेकंड में आपको स्टोरी बताता हूँ। सुशील कुमार बिहार में कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में, मेरा टाइम थोड़ा सा इधर उधर होगा चलेगा, पैसे के करोड़ों की बात करने वाला हूँ, है ना? तो सुशील कुमार कौन बनेगा करोड़पति में, 5 करोड़ रुपया जीता, कितना? 5 करोड़। देखिए लिख रहे प्रभु जी, है ना, बातें लिख सकते हो, 5 करोड़ रुपया उन्होंने जीता कौन बनेगा करोड़पति से, है ना, कुछ समय पहले। तो आज उनके पास कितना पैसा होगा आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ उनके पास आया, लेकिन जो माइंड सेट चाहिए था अभी का वो इधर नहीं था, तो भाई ऊपर पैसा मिला, माइंड सेट नीचे है वो पैसा। अमिताभ बच्चन जिनके प्रोग्राम में उन्होंने ये पैसा 5 करोड़ कमाया, वो अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी जब डाली तो कंगाल हो गए, भिखारी हो गए, उनको उनके पास अपनी कार नहीं थी, घूमने के लिए दोस्तों की कार मांग के चलते थे, क्योंकि टैक्सी से, अमिताभ बच्चन मुंबई में टैक्सी में कैसे जाएगा?
तो जो आदमी भिखारी हो गया था लेकिन उसका माइंड सेट किधर था, तो आज अमिताभ बच्चन किधर है? तो माइंड सेट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बिजनेस अगर करना चाहते हैं हम लोग, तो माइंड सेट अगर आपका गलत है तो उसको चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ कि 108 जब माला होती है ना, 108 की जब माला, मेरे पास 108 कंज्यूमर रहेंगे। मैंने वेन्यू गाड़ी, अभी आपने यहाँ पर देखा वेन्यू गाड़ी, मेरा 6 महीना पहले मैंने वेन्यू गाड़ी, ये मेरा तीसरा गाड़ी है ना, तो मैंने 6 महीने पहले खरीदा। अभी मेरा माइंड सेट है रिटेल प्रॉफिट से मेरे कार का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत पैसा है यार, आप टीम बनाओगे करोगे तो करोगे। 108 कंज्यूमर जो बनाएगा उसका रिटेल प्रॉफिट 50,000 रुपया होगा। आप ये बात को समझ रहे, तुरंत पैसा है, खाली हमको रवैया बदलना पड़ेगा, रवैया बदलना पड़ेगा। और ये चीज आप बोलते हैं फेंकता है, क्या फेंकता है, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 63 कंज्यूमर है मेरे पास, ये इस बात का रियल वन। अगर फेक डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो यहाँ पैसा नहीं है, फेक खोटा खोटा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चलना, थोड़ा काम, अरे माला कसो जमना, मेरे को पैसे होगा, अरे एक ग्राहक बनाऊ बगैर एक एक अलग निकल। एक्चुअली बेचने का धंधा है नहीं, हमारे संजय सर से मैं एक बात सीखा, बेचने का धंधा नहीं है, दिखाने का धंधा। ये कॉफी है, ये साबुन है, ये ऐसा ऐसा काम करता है, दिखने से बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बनाना है तो हमें बदलना पड़ेगा। तो ये जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, फेक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, रियल डिस्ट्रीब्यूटर। और 20 के लिए भी अगर रो रहे हैं हम तो भूल जाओ, 20+ तो चाहिए। और मैं मेरे टीम को जब 20+ का आवाज करता हूँ तो मेरे पास 108 चाहिए, और मेरे डाउनलाइन कमांडर बोलते हैं 200 कंज्यूमर के पास चाहिए। और जो मैंने अभी जैसे आपको बोला, मेरे वेन्यू का पैसा जो इंस्टॉलमेंट है ना, मेरे डीएक्शन के बोनस से नहीं जाना चाहिए, और यहाँ तक मेरा घर भी चलता है ना सर, रिटेल प्रॉफिट से वेन्यू का इंस्टॉलमेंट और रिटेल प्रॉफिट से मेरा घर भी चले तो कितना मजा आएगा। और डीएसआईपी का पॉइंट तो इतना आएगा कि सवाल ही नहीं। और वैसे भी ना, अभी तो हमको मतलब प्रॉपरली उन कंज्यूमर्स को और करना क्या पड़ता है, रिलेशन मेंटेनिंग का बिजनेस है। आपने कंज्यूमर बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है, ध्यान में रखना। हाँ बिजनेस नाती संभालना चाहिए, रिलेशन नातो बनवाए, दोस्ती यानी रिलेशन बनाने का बिजनेस है। आप अपने कंज्यूमर के साथ रिलेशन बनाइए, जबरदस्ती मत करो, ले लो वो मत, क्या ले लो, आप दोस्ती अच्छा आदमी बनो, उनकी घर में अच्छा आदमी बन के जाओ, अच्छा दोस्ती रिलेशन करो, तो सामने से आपको ऑर्डर नहीं मिले। आपको अगर 20 से प्लस, मैंने तो सोचा 108 से प्लस, और इन्होंने सोचा 200 से प्लस, इतने लोगों से आपको रिलेशन मेंटेन करना है ना, रिश्ता बनाना है, बरसात होगी पीवी की, बरसात होगी रिटेल प्रॉफिट की, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। जो हमने मैंने पहले सोचा, मुझे किसी ने बताया अरे 5,000 रुपए की बात की, किसी ने बताया सब बकवास है, वहीं पर मैंने सिखा दिया बकवास नहीं करके दिखाऊंगा। 20 कंज्यूमर तो पे भगवान बोला, मतलब 20 मैं 100 से ज्यादा करूंगा, 108 का टारगेट दिया है। तो पिछले महीने में 7,050 पीवी किए थे, और वो ट्रॉली और लैपटॉप बैग दोनों मेरा रहेगा, रिटेल प्रॉफिट भी अच्छा कमाएगा। इसी में हम व्यस्त हो जाएंगे तो कितना कमा रहे हैं, अगर आप इसी में बिजी हो रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो कितना टीम आपका चल रहा है, कितना इनकम आपको आ रहा है, पहली सीढ़ी चल रही तो पैसा तुरंत उसको कमा, और हम जो करेंगे हमारे डाउनलाइन उसको करेंगे। तो एटलीस्ट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 20 से तो अधिक चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, मैंने इस पॉइंट पे जरा ज्यादा ध्यान दिया, 20 से अधिक चाहिए कि नहीं चाहिए? कुएं में बाल्टी डाला, पानी नहीं है तो बाल्टी खींचेंगे तो क्या फायदा, कुएं में पानी चाहिए ना तो बाल्टी खींचेंगे। तो हमें कंज्यूमर चाहिए, और इसके आगे हम सब मिलके या हम भी जो भी प्रोग्राम करेंगे कंडीशन रहेगा, आओ जाओ घर तुम्हारा ऐसा करने से। भाई ये अभी अभी आपको मैं बताता हूँ, वैसे वर्ल्ड वाइड लेवल में जहाँ पर जो भी बहुत अच्छा पैसा बना रहे वो लोग जो कन्वेंशन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वहां कंडीशन होता है, ये कंडीशन फुलफिल किया तो आपको उस मीटिंग में कन्वेंशन में आप आ सकते हो, नहीं तो आप आ नहीं सकते, क्वालिफाई होना पड़ेगा। लेकिन भीड़ नहीं, भीड़ करने वाले लोग हमको चाहिए, ठीक है? तो करेंगे 20+ कंज्यूमर पक्का, ओके। रियल नेटवर्क, देखो रियल नेटवर्क बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वाक्य में बताता हूं, सिस्टम को समर्पित होना पड़ेगा। क्या सिस्टम को
समर्पित। अभी पूरा डिटेल की बात नहीं है, आप अपना पहले तो आपको अपना एक ऑफलाइन गुरु चुनना पड़ेगा, एक आपका जो ऑफलाइन गुरु आपको चुनना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफलाइन गुरु चुनोगे, फॉलो करोगे तो अपना रिजल्ट भी देख लेना कुछ दिन के बाद, मेरा रिजल्ट सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है। और रिजल्ट सही है तो उसी ऑफलाइन गुरु को पकड़ के आगे चलते रहना, और अगर रिजल्ट गलत निकल रहा है तो आपका ऑफलाइन गुरु गलत है। तो आपको रियल नेटवर्कर बनने के लिए एक गुरु पहले चुनना पड़ेगा। सिस्टम आपको बताएगा, कोई ऑफलाइन मेंटर गुरु बताएगा तो वो आपको बताएगा, फिर आपको पूरा समर्पण, टोटल सबमिशन, पूर्ण समर्पण जैसे सांगितलं की बोला जी आहेत ना, ये बात नहीं करते, कोई आर्गुमेंट नहीं करते, बताया तो यस सर कमांडो में, कोई शक तो कमांडो क्या बोलता है, बेशक, दैट्स इट, पैसा तभी आएगा। ओके, तो रियल नेटवर्कर पूर्ण समर्पण सिस्टम को। नेक्स्ट, तो ये तीन स्टेज, रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड रियल नेटवर्कर, ये ही इसी का ये बिजनेस है। अभी देखिए इस बिजनेस में हम जब आए तो प्रोडक्ट यूज किया हमने, रिटेल कंज्यूमर बनाए, और फिर हमने जो रिटेल कंज्यूमर, अभी बिजनेस एक्चुअली सिंपल है। आप बोलेंगे हम कंज्यूमर बनाने के लिए जाएंगे तो ज्वाइनिंग कब लाएंगे, सवाल मन में आया होगा किसी के, हेलो, जब हम कस्टमर ढूंढने जाएंगे तो ज्वाइनिंग कहां से लाएंगे। मेरे मित्रों, कस्टमर बनाना और ज्वाइनिंग लाना ये अलग एक्टिविटी नहीं है, ये एक ही एक्टिविटी है, दैट इज फील्ड वर्क, काम करना, ये एक ही एक्टिविटी है। साथ में अभी मैं आगे आऊंगा कि साथ में प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट साथ में चाहिए, सिर्फ कैटलॉग नहीं, साथ में प्रोडक्ट चाहिए। और आप मार्केट में जाके लोगों से बात करो, फील्ड में ग्राउंड वर्क करो, वहां से आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, वहीं से आपको कस्टमर मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो जब ये काम करेंगे तो ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक, जब आप 20 से अधिक कंज्यूमर बनाएंगे वो जब संतुष्ट हो जाएंगे, हिंदी समझते हैं क्या तुम्हारा पीछे बोलते हैं, ओके, तर जब आपण 20 ग्राहक बनवतो त्याच्यातूनच विचारायचं बिझनेस करायचा का तुला, आपल्याला अंदाज येतो, हमें एक जजमेंट आ जाता है, ये पैसा ये दम लगता है, ये नेटवर्क कर सकते है, ये हाँ ये कर, शायद ये नहीं कर सकते लेकिन हाँ ये कर सकते है। तो उनको पूछो ना, जिन जाना तुम्हें प्रोडक्ट दिले, जिनको आपने प्रोडक्ट दिया उनको पूछो, इसका बिजनेस भी आप करेंगे तो उसी में से आपका ज्वाइनिंग निकलेगा। तो आपको कितना चाहिए, अभी हमको यहाँ जो प्लान है कम से कम 6 लाइन हमें स्ट्रॉन्गली लेके चलना है, ये भी है माइंड सेट है। चलो नेक्स्ट, ओके, आता अपन येऊया इनकम वर, ठीक है। ये 6 लोग जो मैंने आपको बताए, पहले पर्सनल 6-20 कंज्यूमर हमने जो बनाए, तो ये हमको महीने का पीवी कितना देंगे, कम से कम 3,000। मेरा अनुभव ऐसा है जिसके पास 20 से अधिक ग्राहक है वो 5,000 से ज्यादा पर्सनल पीवी उसके ऑटोमेटिक हो रहे हैं। मैंने बोला इनकम ऑटोमेटिक आना चाहिए, ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक होना चाहिए कुछ, अरे कौन करेगा, ऑटोमेटिक होता ही है, हमारा अनुभव है। तो 20 से अधिक ग्राहक बनाइए, 3,000 पीवी आपका, बार बार समझाना पड़ेगा उसी कस्टमर को, हेलो, नहीं ना, तो उसी से हमको 3,000 पीवी मिलेगा। ओके, अभी यहां से एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस तरफ आता हूं, अभी ये जो 6 लोग है या आप यहां ऊपर है, 3,000 पीवी आप अगर बनाते हो तो ये 3,000 पीवी कैसे बनेंगे, हेलो, हमें सीड स्टॉक रखना पड़ेगा, आपल्याकडे प्रोडक्टचा स्टॉक ठेवावा लागेल स्वतःकडे। जैसे स्टॉकिस्ट है यहाँ पर जयेश चौधरी कहाँ बैठे, पालघर के स्टॉकिस्ट है, पीछे यति जी बैठे, बोईसर के स्टॉकिस्ट है, तो कंपनी ने स्टॉकिस्ट को एक अलग इनकम दिया और नेटवर्कर को नेटवर्क का इनकम दिया, लेकिन कंपनी ने प्लान लेके आया जो डिस्ट्रीब्यूटर मिनी स्टॉकिस्ट बनेगा हम उसको भी इनकम देंगे, समझे, जो डिस्ट्रीब्यूटर मिनी स्टॉकिस्ट बनेगा, मतलब ये प्लान है जिसका नाम है आयुषी, जो सीड स्टॉक प्लान में रन करेगा। क्योंकि देखो आपको अगर ये 20 कंज्यूमर बना के 3,000 पीवी करना भी है तो भी आपको अपने पास कुछ स्टॉक लेके रखना चाहिए और उसका कंपनी ने अलग से इनकम दिया हुआ है, तो एक्टिविटी अलग नहीं है। आप बोल रहे ये काम अलग है,
ये काम अलग है, ये एक्टिविटी अलग है, सब कुछ एक ही है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, 20 ग्राहक बनाना, 20 ग्राहक को प्रोडक्ट हासिल हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ, इन्होंने 200 का टारगेट लिया, मैंने 108 का। मैंने जो अनुभव किया, मुझे जो रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, माला जाए कुर्ती चीज जाने उठाई, वो मैं आपको बताता हूँ। बोला यार 108 कंज्यूमर अगर बनाने हैं तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि बोला मैं स्टॉक पॉइंट पे दौड़ता हूँ, बरोबर पेट्रोल खर्चा हुआ या रिक्शा बस से गया तो पैसा खर्चा हुआ, टाइम भी खर्चा हुआ, फिर एक कॉपी लिया, फिर लेना उसको दिया, जाते टाइम भी टाइम और पैसा खर्चा हुआ, तो रिटेल कॉन्सूमर को कितना मिला, टाइम मेरा कितना गया। हाँ, फिर उनका ऑर्डर आया, फिर लिया, फिर स्टॉक पॉइंट पे लिया। होता ही नहीं होता है। अगर बड़ा सोच रहे हो तो पहले तो टाइम बचाओ। अगर आप बड़ा सोच रहे हो तो मूर्खता बंद करनी पड़ेगी, मूर्खपना बंद करा देंगे। हमें स्टॉक रखने से क्या होगा, आपका स्टॉक पॉइंट में जाके आने का टाइम, आपका पेट्रोल या जो एक्सपेंस है वो बच गया, बराबर मांगा तुरंत तुरंत आपने क्या किया। देखो ये बात मैं क्यों जरा डिटेल में दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इतने या इससे ज्यादा के ग्राहक मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है। ये आसान कब होगा, तो आप समझे, प्रोडक्ट लेके रखा तो उधर ही मांगा, उधर ही दिया, तो मेरा टाइम और मेरा पैसा बच गया। और एक फायदा मैं आपको बताऊं, इन्होंने मांगा मेरे पास टूथ पेस्ट, सिंह साहब ने, मैं पूरा थैला उठा के इनके पास रखता हूँ, समझे, हेलो हेलो, मांगा टूथ पेस्ट, मैं बैग लेके गया, क्योंकि मेरे पास सोचना, मेरे पास स्टॉक था, माझ्याकडे प्रोडक्ट होते, आणि टूथपेस्ट मागितली, मी बॅग आखी पिशवीच त्यांच्या टेबलवर ठेवली, ओपन किया, बोला ये क्या है, बोला सर ये स्पिरुलिना है, ये कॉफी है। तो क्या आपका ऐसा अनुभव नहीं है कि एक प्रोडक्ट मांगा था उन्होंने दो प्रोडक्ट लिया, ऐसा अनुभव है कि नहीं है? तो ये जो है ना, ये 20 कंज्यूमर और ये 3,000-5,000 बीवी, हम सही तरीके से नहीं करते इसलिए ये बीवी नहीं होता। ये मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, इतना कंज्यूमर मेंटेन कैसे करूंगा, कब तक स्टॉक पॉइंट में दौड़ूंगा, इससे बढ़िया है गाड़ी में प्रोडक्ट स्टॉक रखो, घर में रखो और तुरंत दे सकता हूँ, टाइम बच गया, पैसा बच गया। दूसरी बात, 3,000 का टारगेट रखा था, 7,000 भी हो गया, क्योंकि कंज्यूमर उतने ही है, कस्टमर उतने ही है, एक प्रोडक्ट लेने वाले थे, 3-4 प्रोडक्ट ले लेते हैं, आप समझ रहे मेरी बात को, एक प्रोडक्ट ले रहे थे, 3-4 ले लेते हैं, तो उतने ही ग्राहक है मेरा ज्यादा भी हुआ। ओके, तो इसीलिए हमको सीड स्टॉक रखने का है, और सीड स्टॉक रखने का कंपनी ने आपको 9,000 रुपए दे दिए, आप समझे, क्योंकि आपने 6 लोगों को जोड़ा, जो काम आप कर रहे हो वही काम करने वाले को जोड़ने का, नहीं तो बोलना भैया प्रोडक्ट खाते रहना, आप समझे, आ जाओ जुड़ो जुड़ो। देखो ये काम जो है ना, अभी इसके आगे मैंने तो माइंड सेट किया, किसी कंपनी में मैनेजर इंटरव्यू लेता है ना, मैं मेरे बीवी बच्चों का टाइम, मेरे जिंदगी का टाइम और जो अभी बचा, मैं 56 रनिंग हूँ, अभी भी लोगों के पीछे पीछे घूमने का रवैया ही चेंज कर दिया, सही आदमी को ढूंढ के उसी के साथ टाइम डालूंगा, तो टाइम डालूंगा भाई। अभी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोगों के पास 10,000 रुपया उससे अधिक का मोबाइल है, 10,000 से अधिक का मोबाइल स्मार्टफोन, जरा हाथ खड़ा कीजिए, मोबाइल से कितना पैसा आता है, कितने लोगों के पास पैसा नहीं आता है, कितने लोगों के पास 20,000 या उससे ज्यादा रुपए का मोबाइल है, आप खड़े इसके पास नहीं है, मोबाइल के लिए पैसा है हमारे पास, बिजनेस के लिए 10,000-20,000 डालने के लिए पैसा नहीं है, इसका पैसा नहीं मिल रहा आपको, इसका पैसा मिल रहा। तो मैं ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन में नहीं लेके जाऊंगा, पैसा घर में है, कोई टॉयलेट और यूरिन बेच के पैसा बनाता है, हम अपनी परचेसिंग पावर को बर्बाद कर रहे हैं, तो परचेसिंग पावर का आइडिया बेचने का है, तो पहले सही डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते यहाँ से, हमने 6 लोगों को लाया, हमने 10,000-20,000 का सीड स्टॉक लिया, और फिर ऑटोमेटिक कंज्यूमर भी बढ़ने लग गए, और जो हमने फ्रंटलाइन में 6 लोगों को जोड़ा, तो जो IOC का प्लान है, करोड़पति डबल इंजिन प्लान, इसको क्या बोलते हैं, डबल इंजिन प्लान है ये, तो ये डबल इंजिन प्लान में ये पहले लेवल में 15% कंपनी हमको देती है, 20,000 का हमने अगर IOC दिलाया, देखो हम किसी को 20,000 बताने के लिए डरते डरते ही नहीं डरते, सच बोलना एकदम, अरे इसको 20,000 बताऊंगा ना तो ये देगा नहीं, अरे टेंशन उसको नहीं है, टेंशन हमको ही करिए होगा। हाँ, यहां तक प्रोडक्ट बेचते टाइम MRP बताएगा ना तो ये देगा नहीं, डर उसको नहीं लग रहा है,
985 की कॉफी तो 800 दे दे। हाँ टीवी मिल रहा है ना, क्या करते हैं हम, टीवी तो आ रहा है ना। हाँ उन्होंने बंद कर दिया 985। हाँ तो रिटेल तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे मार्केट में क्रिप्टो करेंसी और ये करेंसी वो करेंसी में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया डाला, लोग डालते हैं। हमारे बताने में दम होना चाहिए कि भाई 20,000 सी स्टॉक का कंपनी आपको शॉपिंग मिनी स्टॉकिस्ट आप बन रहे हो, मिनी शॉपिंग आप चला रहे हो, उसका कंपनी अलग से करोड़ों रुपया देगी। तो ये आप अभी मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये मुद्दा समझाना। तो यहाँ पर 9,000 रुपया आपको यहाँ से आया और ये 6 लोगों ने 3,000 किया आपका 3,000, तो 21,000 टोटल 1,500 रुपया इनकम आपको खाली 6 लोगों से। टोटल इनकम कितना हो गया 9,000 और 1,500 कितना हो गया 11,500। ये दूसरा स्टेज आप जब जाओगे, हाँ ये 36। अभी आप बोलेंगे डुप्लीकेशन कैसे होगा, जब आप सिस्टम में आओगे अपने अप्लाइंस से और मीटिंग में तो इसका डुप्लीकेशन सही से होगा, ये कैलकुलेशन है। तो ये 36 लोग 1,000 रुपया 36 लोगों से तो 36,000 आपको IOC के प्लान में आया, तो आदमी मोटिवेट होगा कि नहीं होगा है? अभी अभी आप बोल रहे हो ये होगा कि नहीं होगा, बोलीवेस आएगा अपने वीडियो रेडी है। मैं आपको बताता हूँ बोलीविया में 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, सही बात है प्रभु जी, मैनेजमेंट की व्यक्ति आप हो गए। बोलीविया एक देश है, छोटा सा देश है, 1 करोड़ मात्र लोक संख्या, कितनी 1 करोड़, 1 करोड़ हमारी कितनी है 150 करोड़, 1 करोड़ की लोक संख्या में वहां पर लोगों ने 4 साल पहले IOC प्लान के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। एक महिला का वीडियो मेरे पास प्रवीण साहब के करोना में सर जो उनको मिल के आया पास नहीं, उसकी महीने की इनकम है 80 लाख रुपया है ना। हमारा डर है नहीं जाने के लिए, बिजनेस ही ऐसे व्यक्ति के साथ करना जो राइट माइंडसेट के साथ आएगा, पहले तो हमें अपना माइंडसेट राइट करना। तो ये 36,000 दोस्तों कुछ नहीं है, लोग 80 लाख महीने का, मैंने प्रवीण जी से सुना एक व्यक्ति है वहां पर जो भाई हमारा वो है आयुषी प्लांट पे काम कर रहा है, 1.5 करोड़ महीने की उसकी आमदनी, कितनी 1.5 करोड़ महीने की, और यहाँ का इनकम कितना है ऑटोमेटिक दोस्तों, ये दोनों अलग अलग काम नहीं है। उसने लिया था IOC सी स्टॉक प्लान दिया, मिनी स्टॉकिस बना लिया और उसी में से उसने ग्राहक बनाए 3,000 पीवी के हिसाब से, 15,000 आपको इस तरफ से आया, 36,000 इस तरफ से, सिर्फ सेकंड स्टेज सेकंड लेवल में 36,000 और 15,000 कितना होता है 51,000। पैसा है कि नहीं है, हम सही तरीके से कर ले रहे। नेक्स्ट ये 216 ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ये थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में IOC में 500 रुपया था, 1,08,000 की आपकी IOC की इनकम है और ये ग्राहक शक्ति का इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली दोस्तों IOC की इनकम से ज्यादा आपको SIP का इनकम भी इस तरफ है, 1.5 लाख महीने की इनकम। टोटल इनकम कितनी हो गई 2.5 लाख 2,58,000। ठीक है नेक्स्ट ये चौथे लेवल में हम जब जाएंगे, अभी आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, समय लगेगा, वेल लागना है, आयुष्य फुकट घरापेक्षा 2-3 वर्ष बेकार करने से अच्छा है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर उस पर काम किया जाए तो ये हो सकता। देखो ये आसान नहीं है, मैंने बोला आसान है, ये आसान नहीं है और ये मुश्किल भी इसके बीच में है। ठीक है अभी आज का सेमिनार आसान था लेकिन चल रहा है ना है कि नहीं, तो ये इस लेवल में आते हैं तो 4 लाख देखो 1296 समय लगेगा, हो सकता है 2 साल लगे 3 साल लगे 4 साल लगे 5 साल लगे, लेकिन 4 लाख महीने की इनकम, ये मंथली इनकम मैं बता रहा हूँ, ये आपकी टोटल इनकम है, ये क्या है जो प्लान है IOC का उसपे। लेकिन आप बोल रहे IOC का सीड स्टॉक लेगा तो ऑटोमेटिकली वो महीने के 3-5-10 हजार भी वो करेगा, एक दूसरे के साथ इसका रिश्ता है रिलेशन है, तो ये उसकी चौथे स्टेज पे ये है 6.5 लाख रुपया और ये मंथली इनकम की आएगी मात्र 3,000 पीवी का कैलकुलेशन हमने पकड़ा। मैं सोच रहा हूँ यार 20,000 महीने का मैं पीवी करूँ तो पैसा रहेगा, अगर मैं 7,000 कर सकता हूँ अभी तो काम शुरू भी नहीं किया, रिटेल प्रॉपर्टी मेरा वैल्यू का आधा मेरा घर चलाएगा और टाइम मिलता है क्योंकि फील्ड वर्क से ऑटोमेटिक से सारी चीजें आती है, इसके लिए अलग काम नहीं करना। नेक्स्ट तो देखो चौथे स्टेज पे 4 लाख महीने की इनकम और IOC का इनकम, पांचवी स्टेज पे जाओगे दोस्तों 40 लाख का आपका टोटल इनकम हो जाता है और महीने की इनकम यहाँ पर हो जाती है 24 लाख महीने की इनकम। अभी जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मुझे पता है आपके दिमाग में एक कीड़ा घूम रहा होगा,
स्क्रीन पे दिखाने में क्या जाता है, ऐसे तो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो जो 80 लाख कमा ली है वो क्या मंगल ग्रह पे है कि चांद पे है, किधर है? हेलो, जो 80 लाख कमा ली है वो मंगल ग्रह पे कि चांद पे है कि पाताल में है? धरती पे है मेरे भैया, है 80 लाख। एक तो 1.5 करोड़ कमा रहा है, सोच होनी चाहिए। तो 40 लाख की उसकी आयु से की टोटल इनकम और हर महीने की 24 लाख की इनकम, आप पकड़ के चलो 5 साल लगने वाला है आज से। नेक्स्ट, ये लास्ट पेज में इससे आगे नहीं बताऊंगा। हाँ, ये आयोसी की इनकम है 2,33,28,000 टोटल इनकम और हर महीने की इनकम है 1.5 करोड़। कितनी? तो जब आप मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं ना, तो क्या आपने कभी मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफर तय किया है? किया कि नहीं किया? तो जब गाड़ी में बैठते हैं तो 100 किलोमीटर दूर का दिखता है क्या? कितना दिखता है? कितना मीटर? 50-100 मीटर। लेकिन फिर भी आप 100 किलोमीटर जाते कि नहीं जाते? बस ये वैसे ही है, जितना दिखता है ना उतना चलो। आप समझे, जितना दिखता है उतना चलो, आगे अपने आप चलते जाए। नेक्स्ट, तो ये आपका मैंने टोटल आपको ये चार्ट, आप इसको फोटो ले सकते हो, ये टोटल चार्ट है। 6 लोग 36 लोग 216-1200 में करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल में हर महीने की इनकम 1.5 करोड़ आ सकती है। और यहाँ पर देखो ये 2,33,00,000 की टोटल इनकम यहाँ पर लेते हैं। अभी आपको सोचना है इसमें से कितना सफल होगा, 50%, 25% ये आपको सोचना है। लेकिन यहाँ पे माइंड सेट लेके चलना है। आईओसी, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब बोलिविया या जो कंट्री नई चार कंट्री है वहां पर हमारी इंडियन मैनेजमेंट में भी सोच में पड़ गई है कि आईओसी प्लान को लेके 4 साल में 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ उन्होंने इनकम बनाया। तो ये प्लान को इंडिया में एक्टिवेट करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो अभी आपके पास मैनेजमेंट आने वाली है, आपको प्रमोट करने वाली। इससे पहले से हमने तो सोच लिया, अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं ना, बगैर आईओसी मैं मेरा बीवी बच्चों का टाइम और अपना टाइम, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, मैं जिस जो 10-20 हजार डालेगा इसको पूछूंगा भी नहीं, नहीं चाहिए, बेकार काम ही नहीं करूंगा। तो 20 साल ये सेट हो गया, 1993 से 31 ईयर्स नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया, इतना टाइम इतना डेडिकेटेडली कर रहा हूं, मैं भी 10 घंटे की तरह सब लगा रहा था, और टाइम किसके साथ भी डालूंगा? हेलो, रेडी रखना तभी आऊंगा। आपको रवैया बदलना पड़ेगा, नहीं तो चना कुरकुरा में ही मटकते रह जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा टाइम, जो आईओसी का पैकेज 20,000 का लेगा ना, 5,000 का आईओसी हम लेते नहीं। मैं आपको बता दें, 5,000 कदा मंजूरी है, 5,000 लेते ही नहीं। तो दोस्तों, हमें कंबाइन एनर्जी में, मैं प्रमोद जी को भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जानना चाहते हैं कि बोलिविया या जो भी पेरू वगैरह जो कंट्री है उनका क्या सक्सेस स्ट्रेटेजी है, वो प्लीज हम सभी लीडर्स को बताइए। सो हम एक सुर में एक आवाज में इसके हम काम करेंगे, है कि नहीं, और फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, वो लोग फास्ट क्राउन में चल गए क्योंकि वो लोग आईओसी प्लान पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक गुरुचरण सिंह दिल्ली हरियाणा पंजाबी, मुझे पता है, मैं उनको ये जो सिद्धिपेट फैक्ट्री का जो ट्रिप है उससे पहले वाली ट्रिप में वो मुझे मिले थे, ट्रिपल डायमंड अभी त्रावण में सर, उन्होंने बोला, और वो सबसे आयोजित बेचते हैं, सबसे ज्यादा आयोजित बेचते हैं और फास्ट क्राउन में सर गए। तो अगर हमको क्राउन में सर जाना है जल्दी फास्ट, तो आईओसी हमको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेकिन ये माइंड से, तो कुछ पता होगा, थैंक यू।